हेलो दोस्तों, आशीष जी सोल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा यह वीडियो है ये मिनी एक्स्ट्रा लाइट के ऊपर में है दोस्तों, जो कि हम रात में लगाने वाले हैं अपनी स्प्लेंडर बाइक में। दोस्तों, ये देख सकते हो हमने एक्स्ट्रा लाइट मार्केट से खरीद कर ला लिए हैं, जो कि 6 LED वाली है, और इसको हमारी जो स्प्लेंडर बाइक है उसमें लगाने वाले हैं दोस्तों आज। तो फटाफट से लगाना शुरू करते हैं, और इसको कहाँ पर लगाएंगे वो आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे दोस्तों। और ये जो लाइट है दोस्तों, इसमें चाइनीज़ भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए हमको इसकी कंपनी का पता बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है। अगर आपको चाइनीज़ भाषा पढ़ते आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि ये लाइट किस कंपनी का है। तो ये जो लाइट है दोस्तों, हमारी जो स्प्लेंडर बाइक है हीरो की, इसमें हम लगाने वाले हैं हैंडल के ऊपर में जो ब्रेक रहता है, वहाँ पे जो 10 नंबर का नट कसा हुआ होता है दोस्तों, उसको खोलेंगे और वहाँ पर हम ये एक्स्ट्रा लाइट लगाने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगने वाला है। और लगने के बाद यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं कि रोड में हमको नीचे चाहिए उजाला कि ऊपर चाहिए, दूर चाहिए कि पास चाहिए, सब कुछ यहाँ से एडजस्ट हम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहो तो ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइट है मिनी वाली, इसको आप नंबर प्लेट के आइट साइड में या फिर नंबर प्लेट के ऊपर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पर भी लगा सकते हैं दोस्तों। हमने हैंडल के पास वाली जगह इसलिए चूज़ करें क्योंकि यहाँ पे वायरिंग करने के लिए हमको कुछ भी खोलने की आवश्यकता नहीं है, जबकि हम अगर नंबर प्लेट के तरफ में लगाते दोस्तों तो हमको वायरिंग डालने के लिए इसका सामने का हेड मास्क खोलना पड़ता। लेकिन हमारी जो यह वीडियो बनाए हैं दोस्तों, इसमें मास्क बिल्कुल भी नहीं खोले हमने, ऊपर की ऊपर सारा काम हो चुका है दोस्तों। तो हमको ये वाला जो मिनी वाला एक्स्ट्रा लाइट है, इसको एक वाइसर लगाना है दोस्तों 10 नंबर नट में, और यहाँ पर हैंडल में इसको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, ताकि हमारी जो बाइक है अगर वो गड्ढे में भी चली जाए तो ये निकले ना दोस्तों। तो इसको फटाफट से हम टाइट कर लेते हैं, और इसके बाद हम ब्रेक भी दबा कर देखेंगे दोस्तों कि हमारे को ब्रेक दबाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है दोस्तों। अब नीचे से जो नट रहता है हम उसको कस लेंगे, अच्छी मजबूत तरीके से हम इसको यहाँ पर भी कस सकते हैं दोस्तों, और उसके बाद जब हम इसको चालू करेंगे तो इसके उजाले के हिसाब से हम इसको मिला भी सकते हैं, हमको रोड में किस साइड उजाला चाहिए, दाएं चाहिए कि बाएं चाहिए, और दूर चाहिए कि पास चाहिए, सब तरीके से एडजस्ट हो जाता है दोस्तों। तो ये एक लाइट लग करके हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिए, ये एक लाइट हमने हैंडल के ऊपर में लगा दिए हैं। अब दूसरा लाइट भी हम सेम इसी तरीके से हैंडल के ऊपर में लगा देते हैं दोस्तों। तो दूसरा लाइट हमको फटाफट से लेकर आ जाना है दोस्तों। दूसरा लाइट लाने के बाद जब हम हैंडल के ऊपर में लगाएंगे तो उसका 10 नंबर का नट हमको खोलना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसानी से खुल जाता है दोस्तों। ये देख सकते हो 10 नंबर गोटी की मदद से हम इसका 10 नंबर वाला नट खोल ले रहे हैं दोस्तों। आपके पास अगर रिंग पाना है तो आप आसानी से ये वाले मिनी वाले एक्स्ट्रा फॉग लाइट लगा सकते हो दोस्तों, जो कि 6 LED वाले हैं, और इनका जो उजाला है दोस्तों नाइट में बहुत ही ज़्यादा तेज है। हमने इसको कभी इमरजेंसी हो तो उसके लिए लगाए हैं दोस्तों, जबकि हमारा जो हेडलाइट है उसके अंदर हमने LED लगा कर रख दिए हैं। ये देख सकते हो दोस्तों, हेडलाइट के अंदर हमने पीले कलर का LED लगा हुआ है, क्योंकि जो आगे आने वाली ठंड है दोस्तों, इसमें कोहरा बहुत ज़्यादा गिरता है, तो ये जो वाइट वाले LED है कोहरे के कारण, इससे कुछ भी आगे का हमको दिख नहीं पाता है, उसमें वर्क करता है। तो सिंपली हमारी जो बाइक है उसके हेडलाइट में हेलोजन पीला वाला बल्ब रहता है, वही सही वर्क करता है दोस्तों हेडलाइट का कोहरे में। तो उस समय हम ये LED बल्ब को बंद कर देंगे, और हमारे जो हेडलाइट में लगा हुआ है कोहरा फाड़ देने वाला पीला बल्ब दोस्तों, हेलोजन वाला, वो हम वर्क में यूज करेंगे दोस्तों। तो फटाफट से हम इसको भी टाइट कर लेते हैं, जो कि हम हैंडल के सामने में क्लच में इसको टाइट कर रहे हैं दोस्तों। ये जो एल्युमिनियम का है ये सभी बाइकों में रहता है, और ये हर बाइक में हम लगा सकते हैं दोस्तों आसानी से। हमने ये दोनों तरफ में लेफ्ट और राइट में दोस्तों मिनी फॉग लाइट लगा दिए हैं, और अब बारी आती है दोस्तों इसकी वायरिंग की। वायरिंग कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये आसानी से हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों। वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा दोस्तों। वायरिंग करने का सबसे आसान और संपूर्ण
पूर्ण तरीका बताएंगे इस वीडियो में। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने जो मिनी फॉग लाइट लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं। और इसकी जो वायरिंग है इसको खोल लेते हैं दोस्तों। इसकी जो वायरिंग है इसमें दो कलर के वायर होते हैं, रेड और ब्लैक। तो रेड वाला हमेशा दोस्तों पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला हमेशा नेगेटिव होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारे पास दोनों ब्लैक आ जाते हैं या फिर दोनों रेड आ जाते हैं। तो हमको क्या ढूंढना है, हमारे पास जैसे कि ये देख सकते हो मिनी फॉग लाइट में जो ये वायर है इसमें दोनों ब्लैक है। तो एक जो ब्लैक है दोस्तों जिसमें व्हाइट पट्टी है, एक ब्लैक में जो व्हाइट पट्टी है दोस्तों वो पॉजिटिव वाला है, और एक जो टोटल ब्लैक है वो नेगेटिव वाला है दोस्तों। ये देख सकते हो, हम आपको करीब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद हमको क्या करना है दोस्तों, इस तरफ का दो वायर नेगेटिव पॉजिटिव, उस तरफ का दो वायर नेगेटिव पॉजिटिव, हमको दोनों को आपस में जोड़ देना है। नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस दोस्तों हमको आपस में जोड़ देना है। जिसके बाद हम कनेक्शन करेंगे एक स्विच के माध्यम से। हमको एक मार्केट से दोस्तों स्विच भी लेकर आ जाना है, क्योंकि हमारी जो लाइट है इसको चलाने के लिए हम नाइट में ही चलाएंगे। तो इसमें हम एक स्विच भी लगा देंगे दोस्तों। तो ये प्लस में प्लस और माइनस में माइनस हम जोड़ लेते हैं, और उसके बाद स्विच से इसके कनेक्शन कैसे करना है वो आपको इस वीडियो में हम जानकारी देंगे दोस्तों। जैसे कि आप ये देख सकते हो, हमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से छील लिए हैं दोस्तों वायर को। वायर को छीलने के बाद दोस्तों हम प्लस में प्लस माइनस में माइनस जोड़ देंगे। हमारे पास जो ब्लैक वाली पट्टी वायर आए हैं, एक में प्लस और एक में माइनस है, तो वाइट लाइन वाले दोस्तों प्लस है तो इसको हम एक में जोड़ दे रहे हैं, और जो टोटल ब्लैक है वो माइनस है दोस्तों तो इसको भी हम एक में जोड़ दे रहे हैं। आपको भी बहुत ही अच्छी तरीके से जोड़ लेना है दोस्तों। आप चाहो तो बहुत ही अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से इसको हैंडल के ऊपर लगा सकते हो, और चाहो तो नंबर प्लेट के ऊपर भी लगा सकते हो दोस्तों। वायरिंग सेम इसी प्रकार होगी, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कहीं पर भी लगा सकते हो दोस्तों। तो ये हमने जोड़कर कंप्लीट कर दिए हैं, और अब बारी आती है दोस्तों इसकी मेन वायरिंग करने की। और मेन वायरिंग हम कहाँ से करेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। ये देख सकते हो दोस्तों, ये जो दो नीले वाले वायर दिख रहे हैं आपको, ये है स्विच के दो वायर। ये जो स्विच से आए हैं, हमने इसको छोटे वायर थे तो लंबे कर लिए हैं। तो स्विच के जो दो वायर हैं उसमें से एक वायर हमको लाइट के पॉजिटिव में जोड़ देना है दोस्तों, जब ही हमारा ये जो लाइट है ये स्विच से बंद चालू हो पाएगा दोस्तों। ये हमने आसानी से इसको जोड़ दिए हैं दोस्तों, और जोड़ने के बाद हम इसको अच्छे से टेप मार देंगे ताकि ये शॉर्ट सर्किट कहीं से भी बिल्कुल भी ना हो दोस्तों। ये देख सकते हो दोस्तों, हमने स्विच का एक वायर दोनों सिक्स लाइट वाले एक्स्ट्रा फॉग लाइट में जोड़ दिए हैं दोस्तों, और इसको हम टेप मार लेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको भी टेप मार लेना है दोस्तों, ताकि ये बॉडी अर्थ में बिल्कुल भी टच ना हो दोस्तों, और जैसे ही ये टच होगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हमने जो स्विच का एक वायर होता है उसका कनेक्शन कर दिए हैं। अब बच जाता है दोस्तों स्विच का दूसरा वायर, इसका कनेक्शन हमको कहाँ करना है हम आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने जो स्विच का दूसरा वायर है उसको छील लिए हैं दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से, और अब हम आपको दिखाते हैं कि इसकी वायरिंग कहाँ पे करना है आपको। ये जो हमारा हैंडल है दोस्तों, हैंडल में जो ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक में दो वायर आए हुए होते हैं। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये जो हमारा हैंडल है, दोनों तरफ के फॉग लाइट तो हमने लगाकर कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन जो हमारा हैंडल है ब्रेक लाइट में, ये देख सकते हो हैंडल में जो सामने का ब्रेक है वहाँ पे वायर आया हुआ होता है। हम आपको करीब से दिखाते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार यहाँ पे दो वायर आए हुए होते हैं सामने के ब्रेक में, जो कि पीछे के ब्रेक लाइट का होता है। तो एक रहता है दोस्तों इनर वायर और एक रहता है आउटर वायर। तो यहाँ पे दो प्रकार के वायर रहते हैं दोस्तों, एक रहता है ये ग्रीन में येलो पट्टी दोस्तों, ये रिटर्न वायर है वहाँ का, और ये जो जाने वाला वायर है दोस्तों ये टोटल ब्लैक वाला वायर है। तो हमको जो कनेक्शन करना है चाबी स्विच से रिटर्न वाले वायर में करना है दोस्तों, जो कि एकदम ब्लैक वाला वायर है। तो हमारी जो स्विच लगाए हैं दोनों फॉग लाइट की, उसका जो एक वायर बच जाता है उसको हम जोड़ देंगे टोटल ब्लैक वाले वायर में दोस्तों, जो कि ब्रेक स्विच से वापस आया है, नहीं ब्रेक स्विच में गया है दोस्तों।
तो इसमें फटाफट से हम इसके कनेक्शन कर देते हैं और उसके बाद इसमें टेप मार देंगे ताकि ये भी शॉर्ट सर्किट बिल्कुल भी ना हो दोस्तों। और इसके बाद बच जाएगा हमारा फॉग लाइट का दूसरा वायर जो कि नेगेटिव माइनस वायर है दोस्तों, उसको बॉडी अर्थ में कहीं पर भी एक नट खोल करके हम कस देंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, हम फटाफट से इसको कनेक्शन कर देते हैं। इसके बाद हम इसमें टेप मार देते हैं दोस्तों ताकि ये शॉर्ट सर्किट बिल्कुल भी ना हो। ये हमने इसमें पॉजिटिव वाला ब्रेक में कनेक्शन करने के बाद इसमें टेप मार दी है दोस्तों अच्छी तरीके से। अब इनके जो माइनस वाले वायर बच जाते हैं दोस्तों, इसको हम जोड़ने वाले हैं बॉडी अर्थ में। बॉडी अर्थ दोस्तों कहीं पर भी आता रहता है, आप चाहो तो माइनस में एक आध नट खोल करके आप उसमें लगा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी और आसान तरीके से लग जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो, हम लगा करके आपको जला कर भी बताएंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो में अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो ये देख सकते हो दोस्तों, हम चाबी इसकी ऑन करते हैं और इसके बाद इसका जो माइनस है उसको बॉडी में शॉर्ट करके देखते हैं दोस्तों, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, अब हम लगाने वाले हैं बॉडी अर्थ में। ये बॉडी अर्थ में लगाने के बाद हमारा जो फॉग लाइट का उजाला है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिखता है और एकदम तेज आने लगता है दोस्तों। ये देख सकते हो, दोनों फॉग लाइट हमारे एक साथ ही जलने लगे हैं। और सामने हम दीवार में दिखाते हैं आपको इनका जो उजाला है वो कितना तेज है दोस्तों। ये देख सकते हो, हमने इसको चालू किया और अब हम आपको दिखाते हैं कि सामने की जो दीवार है वहाँ पर इसका जो उजाला है वो कितना तेज दिखेगा दोस्तों। ये देख सकते हो आप भी दोस्तों, इसका जो उजाला है 6 LED एक्स्ट्रा लाइट का, वो उजाला बहुत ही ज़्यादा तेज है। आप भी अपनी बाइक में कुछ इसी प्रकार का फॉग लाइट लगा सकते हो दोस्तों, और ये आसानी से 220 से 230 रुपए का आपको मार्केट में मिल जाएगा दोस्तों। इसका लोकल वाला भी आता है जो कि 120 रुपए जोड़ा मिल जाता है। ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, ये आपको मिलेगा 220 रुपये जोड़े में दोस्तों, और आप अपनी बाइक में इसको बहुत ही ज़्यादा आसानी से लगा सकते हो। जबकि हमारा जो हेडलाइट, मेन जो हेडलाइट है दोस्तों, जिसमें पीला वाला हेलोजन बल्ब लगा हुआ होता है, उसका उजाला कवर नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण हमने ये दोनों हैंडल के ऊपर में LED एक्स्ट्रा 6 LED वाले फॉग लाइट लगा दिए हैं दोस्तों, जिसके कारण ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमको रास्ता दिखाएगा। और आपको कैसा लगा दोस्तों ये फॉग लाइट वाला वीडियो, 6 LED फॉग लाइट हमारी जो बाइक है उसके हैंडल में कैसे लगाते हैं वाला वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।